हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि करेला का जो भुंजिया है वो किस तरीके से हम बनाते हैं और काफ़ी आसानी से। तो यहाँ से मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। करेला का कुछ क्वांटिटी ले लिए हैं, टमाटर का एक क्वांटिटी लिए हैं, मिर्ची के दो ले लिए हैं, प्याज लिए हैं और लहसुन लिए हैं। तो ये पहले से ही मैं प्रिपेयर करके यहाँ पे रख लिया हूँ। अब इसको बारी बारी से हम लोग जो है डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं। यहाँ से मैंने ऑयल यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं लेना है, मीडियम क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तेल लेने के बाद हमें जो है हमारा जो कटा हुआ मिर्च है उसको यूज़ कर लेना है। फिर थोड़ी देर मिर्च भूनने के बाद हमें जो है उसमें प्याज जो काटे हैं और लहसुन जो काटे हैं उनको यहाँ पे डाल देना है। आपका जो है गैस का जो थोड़ा सा स्मॉल में कम मात्रा में जलना चाहिए। थोड़ी देर जैसे भुनाते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो करेला हमने काट के रखे हैं इसको यहाँ से बारी बारी से हम इसको डाल देते हैं। अब इसको गैस की कम आंच में इसको रेड होते तक अच्छे से भून लेना है टमाटर डालने से पहले। तो यहाँ से मैंने इसको अच्छे से रेड होते तक गैस की कम आंच में यहाँ से इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें जो इसकी जो इसके ऊपर ऐसे ढक सकते हैं थोड़ी देर तक।
देखिए हमारा जो है करेला जो है रेड होते तक भुना गया है। अब बारी बारी से इसमें जो है मसाला हम लोग यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि हाफ चम्मच जो है इसमें हम धनिया यहाँ से डाल दिए हैं। उसके बाद हाफ चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पे हम यहाँ पे टर्मरिक हल्दी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हाफ चम्मच से कम यहाँ पे हम लोग मिर्ची ले लेते हैं और सेम जो है यहाँ से हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। हाफ चम्मच से कम यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्ट यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। अगर आपके पास गरम मसाला है तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा गरम मसाला डालने से। तो इस तरीके से हम जो है इसको अब थोड़ा देर तक गरम फ्राई करते हैं। हम अभी टमाटर यूज़ नहीं किए हैं, थोड़ा देर के बाद जब भुन जाएगा थोड़ा सा मसाला उसके बाद हम लोग यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। तो ये हमारा जो है मसाला भुन गया है। अब मैं यहाँ से टमाटर डाल देता हूँ, ये 1 से 2 छोटा साइज का टमाटर मैंने ले लिया है और इसको यहाँ पे डाल दिया। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा टमाटर के गलने तक, जैसे टमाटर गलेगा उसके बाद हम थोड़ा सा वाटर डाल के इसको वो कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो है भुजिया करेला का जो भुजिया है वो तैयार हो गया है। आपका जो टमाटर है उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से पेस्ट करके आप जो है पूरे टमाटर को आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो भुजिया है करेले का वो टोटल प्रिपेयर हो गया है। अब इसको हम लोग टेस्ट करके खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे तैयार हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग हम लोग सीखेंगे।